आज मैं ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई क्लास 12th में बीएससीबी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि बीएससीबी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी जो इंग्लिश की जो क्वेश्चन पेपर होती है उस इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस नरेशन से भी आता है। और नरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नरेशन क्या है। तो एक प्रकार का ये कहने का माध्यम है जिसे हम कथन कहते हैं। नरेशन मीन्स कथन। और नरेशन को कुछ बुक में रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी दिया जाता है, कुछ बुक में इसे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी दिया जाता है। और यही नरेशन को हम दो भागों में बांटते हैं, कुछ बुक में इसे डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से इसे जानते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वो जो डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो उसमें कोई भी स्पीकर दूसरे की बातों को जैसा सुना होता है वैसा ही बोल देता है, उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। दूसरे की बात करूं कि इनडायरेक्ट नरेशन का क्या मतलब? इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी स्पीकर, जब कोई भी वक्ता दूसरे की बातों को अपनी बातों में सजाकर बोलने की कोशिश करता है, उसी को हम इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। जब आप अगर इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी डायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंसेस को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम सब्जेक्ट की जानकारी, ऑब्जेक्ट की जानकारी, टेंसेस की जानकारी, प्रोनाउंस की जानकारी, पर्संस की जानकारी और कुछ और भी रूल्स हैं उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और मैं अपने वीडियो में आज जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे आप गौर से देखेंगे। और इससे भी ज़्यादा अगर आप नरेशन को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर कुछ वीडियोस बना के डाला है, उसे भी आप अवश्य ही देखें। चलिए तो अब मैं ज़रा क्वेश्चन की ओर चलूँ। तो यहाँ जब देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है कि चूज़ दी करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें प्रत्येक में फोर फोर ऑप्शंस दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। इसमें से कोई एक सही है उसे ही आपको चूज़ करने हैं। और इसमें जहाँ जहाँ जो सही होगा उसे मैं टिक लगाऊंगा, उसे भी आप अभी इसमें देखते चलें। अब जरा से यहाँ देखते हैं कि दिया है सेंटेंस के रूप में कि अमर सेड टू प्रिया, माई क्लास टीचर हैज़ ग्रांटेड 2 वीक्स लीव। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अगर डायरेक्ट नरेशन को देखते हैं या डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस को देखते हैं तो इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और एक पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और दोनों एक अपने आप में सेंटेंस ही होता है। अब मैं ज़रा बात करूं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं अमर सेठ टू प्रिया, जब भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ये यहाँ से अमर सेठ टू प्रिया जो दिया गया इसे हम इस पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। और माई क्लास टीचर हैज़ ग्रांटेड 2 वीक्स लीव है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। यहाँ से माई क्लास टीचर हैज़ ग्रांटेड 2 वीक्स लीव, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और अमर सेड टू प्रिया है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर? अब जरा मैं बात करूँ कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच किसमें होता है? पास्ट टेंस में। किसमें होता है? पास्ट टेंस। तो यहाँ से का पास्ट टेंस क्या है? सेड है। तब ये क्लियर हो रहा है कि अमर सेड टू प्रिया जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में लेके जाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होता है। अब मैं बात करूं कि जब भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी अगर ऑब्जेक्ट लगा मिले, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं सेट टू प्रिया, तो यहाँ प्रिया जो देख रहे हैं ये प्रिया क्या है? इस
रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जब भी अगर लिखा मिले तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए हमें सेड को टोल्ड में, से को टेल में और सेज को टेल्स में ट्रांसफ़र करना होता है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं सेड है, तो इसमें हम सेड की जगह टोल्ड लिखेंगे। अब जरा सा हम देखते हैं कि अमर टोल्ड प्रिया किस किस में है। तो अमर टोल्ड प्रिया, अमर सेड प्रिया, अमर टोल्ड प्रिया, अमर टोल्ड प्रिया। तो अमर सेड प्रिया है तो ये तो ऑप्शन पहले ही आपका गलत हो गया। अब जरा सा मैं बात करता हूँ कि अमर टोल्ड प्रिया और ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। तो माई क्लास टीचर हैज़ रेंटेड 2 वीक्स लीव, ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस वाले जो रिपोर्टेड स्पीच वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम इस इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमें दैट का यूज़ करना होता है। दैट लगा दिए तो दैट, अब देखते हैं दैट किस में है। तो दैट ए में है, सी में है और डी में नहीं है। तो चलिए डी ऑप्शन ऐसे भी क्रॉस हो गया। अब ज़रा बात करते हैं क्या कि अमर टोल्ड प्रिया दैट। अब यहाँ देखने का मतलब ये है कि ये माई, क्योंकि आप जो कुछ रूल्स पढ़े होंगे तो पता होगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और ये सारे रूल को आप दिमाग में रखते चलें ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में इतना फिर बताना ना पड़े। अब ज़रा बात करूँ कि यहाँ फर्स्ट पर्सन आई का ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। आई का जब पोसेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो माई बनता है। तो उसी प्रकार ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ माई, तो अमर क्या है, तो अमर लड़का है, तो लड़का के लिए हम ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और ही का जब अगर पोसेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिज बनेगा। तो अब इस देखते हैं कि हिज क्लास, तो अब यहाँ क्लास है तो इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। तो हिज क्लास टीचर, अब चलिए हिज क्लास टीचर इसमें भी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हिज क्लास टीचर इसमें भी है। चलिए अभी तक ए एंड सी दोनों कॉमन चल रहा है। अब जरा सा हम देखते हैं कि अब इसे सेंटेंस को किस में लेके जाना था। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। तो माई क्लास टीचर हैड ग्रांटेड 2 वीक्स लीव। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ए एंड सी इस बुक के मुताबिक अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों ऑप्शंस सही के रूप में दिख रहा है। यहाँ आप इसे ए लगाएं या फिर आप सी लगाएं, दोनों में से किसी एक को ही आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा अगर लिखा मिले, कभी कभी हो जाता है, तो ये आप दोनों में से किसी एक को सही मान सकते हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी को। अब जरा सा मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ही सेड आई हैव गॉट अ टूथेक। कहता है क्या कि उसने कहा कि आई हैव गॉट अ टूथेक, मतलब क्या है, किसे दांत का दर्द हो गया है, मुझे दांत में दर्द हो गया है। तो जब मैं बात करूं कि यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं कि यहाँ ही सेड है, ये यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, और यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस जो देख रहा है ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो पुनः फिर वही वाली बातें कि ही सेड, अब इस इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट का यूज़, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में है। तो ही सेड दैट, अब इसमें सेड में कोई भी ऑब्जेक्ट इस रिपोर्टिंग स्पीच के पास नहीं है, इसलिए सेड को आप टोल्ड में ट्रांसफर ना करें। तो ही सेड दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ आई के जगह पुनः ही आ जाएगा। और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, हैड, ही हैड गॉट अ टूथेक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, He says he has got a toothache बोल रहा है। अब मैं थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे कि ऑप्शन के तौर पे से क्या लगाया जाए। चलिए तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि फिर यहाँ दिया कि he said he have a toothache, he said that he had got a toothache, he had said that he got a toothache। तो आपको पता होना चाहिए
कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथेक। अब जरा मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, द सेंट सेड हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट। कहता है कि सेंट ने कहा कि हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट। अब मैं बात करूं कि ये जो सेंटेंस है, ये बीच वाला, ये रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कमास के अंदर जो सेंटेंस है, ये क्या है? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि खुशी जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में तभी आती जब वो कोई व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट होता है। नहीं, कभी कभी आपको इसी सेंटेंस के रूप में हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंटमेंट में मिल जाता है। क्लियर? तो अब ये सेंटेंस क्या है? तो ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का रिपोर्टेड स्पीच, हैप्पीनेस लाइज इन, यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये क्या है? तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी के द्वारा दिया गया प्रेच है, बोले तो उपदेश है। तो इस रूप में आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहते हैं ना कि जब कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उस रूप में या किसी का वो प्रेच हो, तो इस रूप में किसी भी रूप में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब इसको आप ट्रांसफर करें, तो आप कभी भी इसमें कोई परिवर्तन ना करें। किसमें? तो रिपोर्टेड स्पीच में। तो लेकिन याद रहे कि जो रूल्स है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये रूल काम करेगा। और यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस जो देख रहे हैं, ये सेंटेंस क्या है? तो ये सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब इसका ऑप्शन के तौर पे देखूँ तो कहता है द सेंट सेड दैट हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, द सेंट सेड दैट हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, द सेंट सेज दैट हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, द सेंट विल से दैट हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट। इसका मतलब हुआ कि मैंने अभी कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जो सेंटेंस यहाँ असर्टिव है तो उसके मुताबिक इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के मुझे दैट लगाना पड़ेगा। तो इस रूप में जब इसको बनाएंगे तो पुनः फिर वही वाली बात है कि द सेंट सेड दैट हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट। इसमें टेंस के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं। कुछ बच्चे तो इसे लगाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसलिए द सेंट सेड दैट हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, इसी को आप सही माने। अब जरा से मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर की, कि द बॉय सेड लेट मी गो आउट। अब यहाँ कहा कि लड़का ने कहा कि चलो मुझे अब बाहर जाने दो। तो ये सेंटेंस अभी आप देख रहे हैं, जब इस प्रकार का सेंटेंस मुझे कभी भी लिखा मिले रिपोर्टेड स्पीच में, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी बातें किसी के सामने रखता है, वो भी सजेशन के रूप में। तो जब मैं बात करूँ इस प्रकार का सेंटेंस जब भी अगर दिखाई दे, तो आपको पता होना चाहिए इसमें किसका यूज करेगा, क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा है, उसकी ऐसी इच्छा है। तो जब इच्छा है तो इच्छा को शो करने के लिए हम विस्ट वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज? विस्ट वर्ड का। तो विस्ट वर्ड देखिए इसमें किसमें है। क्लियर? तो यहाँ विस्ट वर्ड क्योंकि सेड है, तो सेड को पुनः फिर मुझे विस्ट बोले तो ये पास्ट टेंस में, तो यहाँ इसका भी पास्ट टेंस में आना चाहिए। तो यहाँ द बॉय सेड को ट्रांसफर किसमें करेंगे? द बॉय विस्ट में। तब देखते हैं कि द बॉय विस्ट किसमें है। तो ऑप्शन कहता है द बॉय सेड दैट ही शुड गो आउट, द बॉय विश्ड दैट ही शुड गो आउट, द बॉय सेज दैट ही शैल गो आउट, द बॉय आस्क्स टू गो आउट। अब इसमें जब बनाएंगे तो सेड को किस में ट्रांसफर करना था? विश्ड में। तो चलिए पहला ही ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो बी में ये ऑप्शन मिल गया कि द बॉय विश्ड दैट। अब लेट मी जब भी सेंटेंस वाला दिखाई मिले तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? तो इसमें शुड वर्ड का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई सेंटेंस आप लिखते हैं तो उसके लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मी जो ऑब्जेक्टिव केस है किसका? आई का। तो उस रूप में मी का जब अगर ले जाएंगे इसमें तो मेरे पास सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो द बॉय का जो ही होगा, ही होगा तो ही यहाँ लिखेंगे। द बॉय का सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे? ही। और पुनः फिर शुड वर्ड लगाएंगे, ही शुड गो आउट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर? तो इस रूप में अभी आपने देखा कि सही तौर पे इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर, द बॉय विश दैट ही शुड गो आउट। और एक चीज और आप दिमाग में रखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लाने के बाद किसी भी रूप में आपका सेंस सेंटेंस का परिवर्तित नहीं होता। यहां भी कहता है कि लड़का ने अपनी इच्छा जाहिर किया कि उसे अब क्या करना चाहिए,
उसे बाहर जाना चाहिए। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलूं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि माय फादर सेड टू मी स्टैंड अप। अब ये सेंटेंस देख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपका किस में चल रहा है, तो ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर किस में हो, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में हो, तो उस रूप में सेड को हम किस में ट्रांसफर करते हैं, ऑर्डर्ड में ट्रांसफर करते हैं जब इस प्रकार कर रहा है। लेकिन इसी में अगर प्लीज वर्ड अगर लगा मिलेगा तो उस रूप में हम रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करेंगे, किसके जगह, सेड के जगह। तो जैसा देखते हैं क्या कि इसमें जो आपका ऑप्शन कहता है कि माई फादर टोल्ड मी टू स्टैंड अप, या माई फादर रिक्वेस्टेड मी टू स्टैंड अप, या माई फादर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, या माई फादर विश्ड मी टू स्टैंड अप। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये मेरे पापा ने मुझसे कहा कि खड़े हो जाओ, इसका मतलब क्या है कि मेरे पापा ने जब मुझे कहा तो ये ऑर्डर दे रहे होंगे क्योंकि हमसे वो बड़े हैं। तो इस रूप में तो यहाँ क्या करेंगे, सेड को किस में ट्रांसफर करेंगे, ऑर्डर्ड में, ठीक है, क्योंकि सेड पास्ट टेंस में है तो ऑर्डर भी पास्ट टेंस में ही जाएगा। तो माई फादर ऑर्डर्ड मी, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ जब पता होगा कि जब कोई भी रिपोर्टेड स्पीच जब अगर इंपरेटिव सेंटेंस में होता है और जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मिलाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें टू का यूज़ करना पड़ता है। और दूसरा सेंस यहाँ ये कहता है कि जब आपके सेंटेंस में जब कोई डबल कोई वर्ब होता है तो उसके लिए हमें इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करना होता है। अब दोनों यूज़ को समझें, इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि टू प्लस वी वन, और यानी तो इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू का यूज़ करें, दोनों में से किसी एक रूल को दिमाग में रखेंगे। तो माई फादर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, मेरे पापा ने मुझे ऑर्डर दिया कि खड़े हो जाओ, क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर के रूप में सही होगा। तो अभी आपने देखा क्या कि इस वीडियो में मैंने आपको नरेशन की कुछ चर्चा किया, और मैं हद तक कोशिश करता हूँ कि आप को सही रूप से समझाया जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और इसे बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक्स अ लॉट।